मंडी जिला के पंडोह कस्बे में पिछले कुछ दिन से पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं आ रही है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन बहुत पुरानी है, जो कि कई जगह से लीक भी हो रही है। लीकेज की वजह से पानी में रिसाव होने के कारण वेस्टेज भी हो रही है, जबकि ग्रामीणों के नल सूखे हैं। यहां तैनात विभाग के पंप ऑपरेटर के मुताबिक इस पेयजल योजना के लिए विभाग की ओर से 3 मोटर स्थापित की गई थी, जिनमें से 2 खराब पड़ी हैं और मात्र 1 मोटर ही चल रही है, जिस वजह से पानी की समस्या बनी हुई है और मोटर ठीक होते ही पानी की सप्लाई नियमित रूप से बहाल कर दी जाएगी। कितनी मोटर है सर? मोटर है ना, मोटर है। हाँ जी, चली कितनी है? चली इस टाइम फिलहाल तो एक ही है, बाकी एक रिपेयर पर है और तीसरी बंद है। दूसरी तो बंद है। हाँ, तीसरी बंद है। पानी जो पहले की मात्रा में कितना देर छोड़ते हैं आज? पानी कम है, पानी कम आ रहा है पीछे से। क्यों आ रहा है पीछे? क्या पाइपलाइन एक फटी हुई है? मैं तो मतलब मैं परे जाते नहीं हूँ। अच्छा, आपकी यही? मैं यही हूँ। क्या नाम है आपका? चेतराम। क्या है आप? ठीक है। दिन होने को जा रहे हैं तो नलकों में पानी की बूंद तक नहीं आ रही है, अब समय से पानी नहीं आ रहा है। तो आज हमने देखा इधर वाटर सप्लाई में आए तो इधर देखा पानी तो काफ़ी चल रहा है इधर, और जब मेन सोर्स पे गए, मेन सोर्स से थोड़ा आगे आया तो वहाँ पे पाइप फटी हुई है सारी और पानी सारा वहीं पे बह रहा है। तो हमने यहाँ पंप ऑपरेटर से बात करी तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसा ही चला है, मेरी ड्यूटी बनती नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा, पीछे जाना मेरा काम नहीं है। तो ये बोलते एक साल से ऐसा ही चला है। तो पानी यहाँ पर फिर हमने देखा 3 मोटरें पड़ी अंदर, 3 में से 2 मोटरें बिल्कुल बंद पड़ी है, 1 मोटर चलती है, वो भी ये बोलते हैं इसमें कभी बैरिंग ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, तो इसमें ये भी इसमें इसमें पे चल नहीं रही ठीक है, और ये गर्म हो रही है थोड़ी थोड़ी देर टाइम बाद बोलते हैं। और उसके बाद केमिकल हाउस देखा हमने, उसमें ना फटकरी पड़ी है ना ब्लीचिंग पाउडर है, ऐसे ही चला हुआ है। तो पंप ऑपरेटर बोलते हैं कि मेरा तो काम नहीं बनता है। अब हमने SDO साहब को बोला, जे साहब को बोला है, वो बोलते हैं पाइप लेने गए हैं, अभी तक कोई कुछ भी यहाँ नहीं चला हुआ है। और हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को ठीक किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। ये हमारी BBMB की जो पाइपलाइन दिखाई गई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसको टूटी हुई को, और ये बोल रहे हैं कि पानी नहीं है। भाई पानी आएगा कहाँ से जब पाइपलाइन इन्होंने रिपेयर नहीं की हुई है, ये रस्सियों से बांधी गई है, देखो इसको, फिर कहाँ से टैंक भरेंगे इनके। और जो हमारे BBMB के इंचार्ज है वहाँ पर वाटर सप्लाई में, उनका बोलना है कि मुझे 1 साल हो गया यहाँ आए हुए और 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई ये रिपेयर ही नहीं की इन्होंने, तो हम कहाँ से दें पानी। ठीक है, बाजार में आज 1 हफ्ता हो गया पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तो अब इनको देखना चाहिए ना। फिर बोलते हैं पीछे पानी नहीं है, पानी तो खड्डे में भी बहुत है, जब पाइपलाइन इनकी ठीक नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? जी रोड से जो ऊपर को रास्ता जाता है, और रास्ते में इनकी इतनी पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, जिनी रोड में 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे, कोई रिपेयर नहीं, पानी ओवरफ्लो बाहर जा रहा है,